अस्सलाम वालेकुम एवरीवन सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी दिनों के बाद हम आज हमारी कार राइड्स पे हमारे डिस्कशंस को लाइव आया तो मैं सुबह सुबह गाड़ी में जब बैठी तो सर को मैंने बोला सर आज मैं कौन सा गाना सुनूं। मैं रोज़ महफिल में जो एक ऑब्सेसिव बुक है कि मैं गाने पर अटकती हूँ तो पटक ही जाती हूँ, तो मैं कहा आज मैं कौन सा गाना सुनूं। तो फिर थोड़ी देर मैंने कहा तो मोटिवेशनल गाना सुनती हूँ, मोटिवेशनल गाने भी होते ही क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होते हैं। तो देखो मोटिवेशन भी है, आई एम अ पोर्शन विद नो ब्रेक। वहाँ से क्या हो रहा है कि सर आपका काम आ अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हमने एक नई जगह पे वर्कशॉप किया और वो होटल जो है उसका खाना भी पसंद आया, उसका एफआर जिंदगी है सब पसंद आया। इट इज अ गुड थिंग क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि एक नई चीज नई खोज हुई तो मजा आया हमको। और एरिया भी बहुत अच्छा था, F6 के ऊपर है, F6 के उसमें है, इट्स कॉल्ड क्या नाम है उसका, मुझे वहाँ पे आके ना अजरक की शॉपिंग करनी है। बहुत सारे लोग पूछ रहे कौन सी वर्कशॉप हो रही, कहाँ हो रही है। तो वर्कशॉप ऑल ओवर पाकिस्तान हो रही है, इनफैक्ट दुबई में भी हो रही है और इनफैक्ट उसके साथ साथ ऑनलाइन भी हो रही है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है और दैट्स अबाउट इट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग अस। And thank you so much for coming live, everyone. Sir, आजकल के हालात के बारे में देखिए, हालात मुश्किल है हम सब जानते हैं और वजह इसकी बहुत सारी है, हम यहाँ से घूम लेते हैं। बहुत सारी इसकी वजूहत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसमें मैंने वीलॉग भी किए हैं, स्पेशली एक स्टोरी जो मैंने कही थी। अब इन हालात में क्या करेंगे, मतलब पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकते, हर कोई नहीं जा सकता। सेकेंडली क्यों छोड़ के जाए, जिस मुल्क में पैदा हुए हैं और यहीं रहे, हमने अपनी जिंदगियां बनाई है, किसी ने तालीम हासिल की है, किसी ने जॉब अच्छी है, किसी का बिजनेस है, 2 महीने और मजीद जरा थोड़ी तकलीफ होगी, उसके बाद उम्मीद मेरी है कि अप्रैल मई के बाद थिंग्स विल मूव टू बेटर, कुछ ना कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने वो वक्त भी देखा है पाकिस्तान में जब 60 रुपए का डॉलर था फिर भी जिंदगी चल रही थी। 48 का भी था, 60 का भी था, उससे पहले भी था। मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। आई थिंक मैं अमेरिका जब गया था 82 में तो मुझे याद नहीं, शायद 30 का डॉलर था या 32 का डॉलर था, 30 या 32 का डॉलर, तो क्या ही बात है। लेकिन सर के पास जब भी कोई ये बात करके आता है ना, यार सर हालात इकोनॉमी बहुत खराब है, खराब है फैक्ट है। मतलब एक फैक्ट है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, नहीं 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 खराब है, अच्छा सब सही हो जाएगा। ही सेज फैक्चुअली यस देयर इज समथिंग, यू नो इट्स नॉट राइट, चीजें गलत हो रही है, महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन इज एट इट्स पीक, या बट ही सेज नोबडी इज आस्किंग यू नॉट टू डू मोर स्टफ। सो व्हाट ही मींस बाय दैट, ही गोज लाइक कि अगर आपके पास इनकम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी महंगाई हो गई है, तो अपनी इनकम बढ़ाओ, अपने इनकम के जरिए बढ़ाओ। अब जब हम ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये तो बोलना आसान है, बट ट्रस्ट मी, मैं अगर मुझे किसी काम में छोटे मोटे पैसे ही बच रहे हो ना, मुझे पता है मेरा टाइम वर्थ करता है इसमें देना, तो मैं वो काम कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे पता है एक सोर्स ऑफ इनकम से अब गुजारा नहीं होना। यस, एक तो सबसे बड़ी बात की अब तो दुनिया के अंदर ही हो गया, पाकिस्तान में भी हो गया कई सालों से, अब कम से कम 2 अफराद घर के काम करते हैं, वाइफ भी जाती है, शौहर भी जाता है काम करने। अब वक्त आ गया है कि आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी होगी, किसी ना किसी तरह कोई नई इनकम की सोच ढूंढनी होगी, सोच के किस तरह नई इनकम बढ़े। और तरीके हैं, देखिए एक चीज याद रखें, दुनिया के अंदर मसाइल हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है और उसमें हमारा भी बहुत बड़ा कसूर है कि हमने वक्त के ऊपर एक्शन नहीं लिया, वक्त के ऊपर हमने आवाज नहीं उठाई, जो कुछ भी था। अब हमें करना क्या है, हमें किसी ना किसी तरह सोचना है। और हमें अक्सर ये कहता हूँ कि कागज पे लिखो कि मेरे पास इस वक्त चॉइसेस क्या है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस है, मेरे घर का किराया है, मेरे बिजली का बिल, व्हाट चॉइसेस डू आई हैव टू टू बी एबल टू यू नो पे माय बिल्स एंड ऑल। जब आप चॉइसेस लिखना शुरू करेंगे तो यकीनन 4-5 चॉइसेस आपके पास लिखी होंगी, उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करना। अच्छा सर, हमेशा एक बात करते हैं, उस पर हम एक शो करेंगे यूट्यूब पे, वो अक्सर ये बात कहते हैं, ऑलवेज हैव अ चॉइस, सो आई एम लीविंग यू ऑन दिस, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, डू वॉच इस ऑन यूट्यूब।
because today we're gonna make a video on that कि क्या हमारे पास हमेशा कोई choice होती है कि ये सिर्फ बोलने वाले लोग आसानी से बोल देते हैं. So we gonna hold doctor accountable कि वही choices के बारे में बात करें. मैं अपनी choices के बारे में कहता हूँ, अपनी choices के बारे में आज बात करेंगे. ठीक है. So we'll talk about choices. So do watch us on YouTube and love you all and see you inshallah next week in our car doing a live. Bye.